मैं रोशन तिवारी आप सबों का अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूँ। एक बार मैं फिर से आप सबों से आग्रह करूँगा कि आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्याय 6 जैव परक्रम कक्षा 10 के विज्ञान का एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 22 में प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे। पेज नंबर 22 का पहला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, घटकों के क्या कार्य हैं। तो देखिएगा इसका आंसर, मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं, रक्त, हृदय, नलिकाएं और प्लेटलेट्स। याद रखिएगा इसको, आपसे कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि रक्त के मानव में वहन तंत्र के घटक कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 4 घटक हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो वो आपका हो जाएगा रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा नलिका और चौथा प्लेटलेट्स। याद रखिएगा इसको। ठीक है, रक्त का काम शरीर के संपूर्ण भागों में भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाना, यह कार्य रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्लाज्मा जो है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है और ऑक्सीजन, इसको शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुँचाता है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका हृदय। हृदय के मुख्य 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त होता है तथा विऑक्सीजनित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, रक्त को अलग करने में सहायक होते हैं। हृदय ऑक्सीजनक रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नलिका, नलिकाएं धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है। साथ ही सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस शरीर में ले जाने का कार्य करती है। समझ में आ गया, इसको ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। ये रुधिर वाहिका है जो कि रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। समझ में आ गया, और सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय तक लाता है। समझ में आ गया, इसमें याद रखना, नलिकाएं में 2 हो जाएगा, एक रुधिर वाहिका जो कि रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, और तीसरा हो जाता है इसमें आपका है सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र कर हृदय में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य, प्लेटलेट्स जो है ये कोशिकाएं रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स के कारण ही जब आपका उंगली कटता होगा और खून जो निकलता है तो वायु से अभिक्रिया कर लेता है, विटामिन के होता है उसमें, के कारण ही वो थक्का होता है। प्लेटलेट्स के कारण क्या हो जाता है, वो थक्का बन जाता है रक्त का, और रक्त का स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन है, रक्तधानी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। रक्तधानी जो पक्षी है, स्तनधारी तथा पक्षियों में, स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक हो जाता है। ठीक है, स्तनधारी पक्षियों को विभिन्न कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिएगा। स्तनधारी जो होता है उसको विभिन्न कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा ऊर्जा इन जीवों के शरीर के तापक्रम को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनिक रुधिर अलग-अलग रहने पर शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अतः स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग-अलग रखना आवश्यक होता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि स्तनधारी तथा पक्षियों को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा इन शरीर और साथ ही ऊर्जा जो होता है शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। तो ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखने के लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। और इसको दोनों को अलग रखने से क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त शरीर को उपलब्ध होता है। इसलिए स्तनधारी जो होते हैं पक्षी उसको जो है ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक होता है। आगे देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर सॉरी चौथा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। अब वहन तंत्र के घटक के बारे में हम लोग देखेंगे कि वहन तंत्र के क्या-क्या घटक हैं। तो वहन तंत्र के घटक के बारे में देखिएगा, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य घटक जाइलम और फ्लोएम है। वहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम होता है जल तथा खनिज लवण को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाना, सॉरी पत्तियों तक पहुंचाना, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है उसको संपूर्ण भागों तक पहुंचाना। याद रखिएगा इसको। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र जो होता है वो दो होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जौ से जाइलम, जाइलम का काम होता है जल तथा खनिज लवण को भूमि से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है आपका पत्तियों द्वारा जो भोजन बना है उसको जो है पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। आगे देखिएगा, आगे है आपका पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जाइलम के द्वारा जो है ये क्या होता है, जल तथा खनिज लवण का वहन होता है। देखिए, जाइलम के जड़ों, जाइलम उत्तक में जड़ों तनों और पत्तियों की वही निकायें और वहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों को कोशिकाएं मृदा से संपर्क में होती है। जड़ों की कोशिकाएं जो होती है वो मृदा के संपर्क में होती है तथा वह सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के बीच आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल तथा खनिज लवण जड़ में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जो है जल का अनवरत गति से जल जड़ के जाइलम में जाता है और फिर जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है, और यह प्रक्रियाएं क्या होती है, लगातार चलते रहती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पांचवा नंबर का क्वेश्चन। पांचवा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप यानी पौधे, ठीक है। तो पौधे में भोजन का स्थानांतरण देखिएगा, खनिज का स्थानांतरण जो है वो किसके द्वारा होता है, तो जल तथा खनिज लवण का जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, और पादप में भोजन का स्थानांतरण, अभी तो इससे पहले जो देखे तो वो तो देखे जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण, अभी है भोजन का स्थानांतरण। तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होगा। तो फ्लोएम उत्तक कोशिका के पादपों के संपूर्ण भागों में फैली होती है तथा इसका काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाना होता है। इसके अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथ ही कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में, यानी कि ये नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी सभी दिशाओं में करता है। इसमें ऊर्जा का भी प्रयोग होता है जो ऊतक का परासरण दाब भी बढ़ा देता है, जिससे जल जल
इसमें प्रवेश कर जाती है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है 124 नंबर का। 124 नंबर में है वृकाणु, या फिर आप उसको नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, नेफ्रॉन या वृकाणु, ठीक है, की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसकी रचना और क्रियाविधि के बारे में आपको बताना है। तो वृकाणु का चित्र आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ये वृकाणु का चित्र है। वैसे काफ़ी आसान होता है इसको बनाना, आप एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा बना के, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। वृकाणु मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वृक में आधारी निस्यंदन एकक या फुम्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक में प्रत्येक गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक में ऐसे अनेक निस्यंदक एकक होती है जिन्हें वृकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, जैसे मूत्र इस नलिका से प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयन पूर्ण शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पूर्ण शोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करता है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक में बनाने वाले मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र द्वार तक से बाहर न कर दिया जाए, यानी कि तब तक यह दाब रहेगा जब उसको बाहर नहीं कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोशिश कीजिएगा, हो सक वीडियो को रोक के भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और उससे भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर का। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप में किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी उत्सर्जित उत्पाद जो होता है उससे छुटकारा पाने के लिए पादप में, ठीक है, पौधे में। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। पहला हो गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अतिरिक्त जल तथा ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है जो बचता है इसके द्वारा, ठीक है। अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। पौधे गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित रखते हैं और मृत पत्तियों को अलग कर अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है तो पत्ती जो पौधे से गिर जाता है, इस द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, पौधे से अलग हो जाता है। एक तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, जल मुक्त होता है, वो हो गया। दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल मुक्त होता है वो हो गया। तीसरा देखिए, पत्ती जो टूट कर गिरता है तो उसके द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है। पौधे गोंद तथा रेजिन के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है। पुराने जाइलम जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह पादपों के छाल के रूप में बाहर निकल जाता है और पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। उसके बाद आप देखिएगा तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार किया जाता है। तो मूत्र बनने की मात्रा में उपस्थित अतिरिक्त जल और शरीर में घुली अपशिष्ट मात्रा पर निर्भर करती है। ये जो मूत्र बनता है आपका, ये शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल और शरीर में घुली अपशिष्ट मात्रा पर निर्भर करेगा, ठीक है। कुछ अन्य कारक जैसे जीव के निवास स्थान तथा उसमें उपस्थित हार्मोन जो होता है वह भी मूत्र बनने की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है, शरीर में जो अतिरिक्त जल है या अपशिष्ट घुली पदार्थों की मात्रा है उस पर और हार्मोन पर भी निर्भर करेगा, या साथ ही निवास स्थान पर भी यह निर्भर करता है कि मूत्र कैसे बनेगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर एक नया वीडियो इसके अभ्यास में जो अब प्रश्न उत्तर दिया गया है वो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोशिश कीजिए सभी वीडियो को अंत तक देखने का। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर सब वीडियो को देख लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छा मार्किंग कीजिए। यही हमारी कोशिश है कि आप सबों को अधिक से अधिक लाभ मिले। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप सबों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।